प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं पास्टर दीप्ति आप सभी लोगों को जय मसीह के कहती हूँ। आइए सभी मेरे साथ मिलकर सुबह की प्रार्थना करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु यीशु की तारीफ करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। बोलो, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। आप सचमुच में परमेश्वर, आप अद्भुत काम करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू। बोलो, परमेश्वर तेरी स्तुति हो, परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। जय जयकार करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन आपने दिखाया है, आज का दिन आपने दिखाया है, आपने नया दिन दिखाया है, आपने नया दिन दिखाया। प्रभु, आपने मुझे सांसें दी है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जो आपने मुझे सांसें दी, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, दी है तो प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, उसकी हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सचमुच हमारा परमेश्वर अति पवित्र और पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर है। हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हो लॉर्ड जीसस, तेरी महिमा, तेरी स्तुति। ओ धन्यवाद यीशु। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जो प्रभु हमें नया दिन दिखाता है, नया जीवन देता है, नई सांसें देता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अपनी दया हम पर उंडेली है, अपना कृपा हम पर दिया है, और इसलिए आज के दिन को हम देख पा रहे हैं, और इसी वजह से आज हम सांसें ले रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। ओ धन्यवाद यीशु। मसीह में प्रिय भाइयों बहन, प्रतिदिन प्रतिदिन परमेश्वर की तारीफ करें। रोज सुबह उठकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। जब हम रोज सुबह उठकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, उसके गीत गाते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, ओ धन्यवाद यीशु, प्रभु नया ग्रेस कुंडलता है। ओ धन्यवाद यीशु, नया अनुग्रह को हमारे जीवन में देता है। ओ धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज परमेश्वर से उस नया अनुग्रह को ले लीजिए, आज परमेश्वर से उस नई ग्रेस को ले लीजिए। ओ धन्यवाद यीशु, जो आपको हर एक आपके जीवन में जो भी बंधन है वो टूटने लगेंगे। हालेलुया, आपके समस्याएं हल होने लगेगी, वो जाएगी, मुश्किलें खत्म होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह पर हर समय भरोसा रखो। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे लोगों, परमेश्वर पर हर समय भरोसा रखो, उसे धन्य कहो हर समय, उसकी स्तुति करो हर समय, उसकी महिमा करो हर समय, उसके नाम को ऊंचा करो हर समय। कई लोग आज डरते हैं, घबराते हैं, ओ मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान को अपने जीवन में एक सेकंड भी मौका मत देना, एक सेकंड भी। हालेलुया, लेकिन हम जाने और अनजाने में उस दुष्ट को हम मौका दे देते हैं। फिर वो क्या करता है? वो फिर मुश्किलों को लेकर आता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हालेलुया, यदि आप चाहेंगे हालेलुया, तो शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी ही लापरवाही की वजह से वो दुष्ट को मौका मिल जाता है काम करने के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज कई लोग घबरा रहे हैं, कई लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, अपने जीवन में परेशान हैं। आज ये जानने के बावजूद भी कि यीशु ही परमेश्वर है, उन्होंने उद्धार पाया है, उद्धार पा लिया, मन फिरा, सब कुछ कर लिया, लेकिन आज भी दुष्ट उनके जीवन में क्यों काम कर रहा है? आज क्यों इतनी प्रॉब्लम्स, क्यों इतनी समस्याएं? हालेलुया, परीक्षाएं आती हैं, लेकिन उसका भी एक समय, जैसे सभा उपदेशक में पढ़ते हैं, रोने का भी समय, हंसने का भी समय, परीक्षा का भी समय, हालेलुया को खड़े होने का भी समय, लेकिन एक समय के बाद में भी वो परीक्षाएं खत्म ही नहीं हो रही है, वो बीमारी जा ही नहीं रही है, वो प्रॉब्लम जा ही नहीं रही है। उस बंधन को प्रभु तोड़ने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, उस बंधन को परमेश्वर क्या करता है? तोड़ने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। लेकिन आज हमें, हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज हमें भी कुछ करना पड़ेगा,
कई लोग करते जाते हैं चर्च में प्रेयर करवा के आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, वो ग्रेस आपको मिलता है कि आपको परमेश्वर आपको बचाता है, चंगा करता है, छुड़ाता है, लेकिन अब उसी चंगाई को संभाल के रखने के लिए आपको अपने जीवन में दुष्ट शैतान को कार्य करने के लिए उसको एक सेकंड एक समय भी नहीं देना है। हालेलुया। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, गलती पे गलती उस दुष्ट को अपने जीवन में अलाउ कर रहे हैं। हालेलुया। जाने अनजाने में प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब हम परमेश्वर की मर्जी करते हैं तो दुष्ट को बहुत जलता है, अरे ये क्यों परमेश्वर की मर्जी कर रहा है, उसे तो मेरी मर्जी करना चाहिए। एक हथियार है हमारे जीवन में मर्जी। जब हम परमेश्वर की मर्जी करते हैं तो एक हथियार होकर बदल जाता है, लेकिन जब दुष्ट की मर्जी करते हैं तो उसके लिए वो हथियार हो जाता है। एक ऐसा ही व्यक्ति था, हालेलुया, जो प्रभु की मर्जी को तोड़ दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बाइबल में जैसे हम पढ़ते, लेकिन एक ऐसा इंसान और एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी मर्जी करता चला गया, जबकि उसे परमेश्वर के बारे में सब कुछ पता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और उसका रिजल्ट और उसका परिणाम क्या मिलता है, उसे सब कुछ खोना पड़ जाता है। हालेलुया। जो शाऊल जो राजा था, इज़राइल का पहला राजा कौन है, शाऊल, और उसने पहले तो प्रभु की मर्जी करता था, लेकिन जब उसके मन में लालच आया, क्या लालच, प्रभु ने कहा था, परमेश्वर ने नबी की तरह बात किया था कि उन चीज़ों को अपना मत कर लेना, जो सबको तू मारते जाना दुश्मन को, कोई चीज़ नहीं रखना, लेकिन उसने अच्छी चीज़ों को रख लिया। और उसके बाद जो होता है, प्रभु बात करता है, प्रभु बताता है। हालेलुया। शमूएल नबी के द्वारा कि देख इसने क्या किया, मैं इसे राजा होने से क्या करता हूँ, पछताता हूँ और इसे तुच्छ ठहरा देता हूँ। लालच आया उसके जीवन में, उसके जीवन में वो आ गया, काम हो गया, फिर भी वो माफ़ी नहीं मांग रहा, एटीट्यूड में और घमंड के साथ। हालेलुया। और उसका रिजल्ट, उसका नतीजा क्या होता है, वो जिद पे अड़े रहता है, उसके अपने जो प्रभु ने उसको स्थान दिया था उसे फिर उसे छोड़ना पड़ता है। यदि आज आप एक अच्छे लेवल में होंगे, एक अच्छे, आप कहते मेरी जॉब चली गई, आप कहते मेरा काम खत्म हो गया, कहते मेरे बिजनेस खत्म हो गया, आप कहते मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया। हालेलुया। प्रभु सबको ब्लेस्ड करता है और देता है, लेकिन जब हम उसकी मर्जी को, उसकी आज्ञा को तोड़ देते, उसकी मर्जी करना छोड़ देते हैं, पहले तो हमें पता नहीं चलता, सब लगता ठीक है, लेकिन बाद में पता चलता है। यदि जो प्रभु की आज्ञा को पालन नहीं करता, परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा कहा था, लेकिन उसने शमूएल की बात नहीं मानी, अपने शमूएल, आज हम अपने मेंटर के, अपने पास्टर के हम बातों को नहीं मानते और उसे इग्नोर कर देते। उस शमूएल नबी जो उसे परमेश्वर ने दिया था, उसी के थ्रू ही बात करता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने शमूएल नबी की बातों को इनकार कर दिया, तोड़ दिया। कितनी बार गलती किया, कितनी बार, हालेलुया, और आज्ञा को तोड़ दिया, रिजल्ट इस्तीफा देना पड़ा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की तारीफ। और उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या होता है, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जब हमने पास्टर के अपने मेंटर की बात नहीं मानते, हमारे अगुवे की बात नहीं मानते, और उसका नतीजा क्या होता है, सब कुछ खत्म, सब कुछ फिनिश्ड। हालेलुया। आज्ञा का पालन ना करने का नतीजा, प्रभु की मर्जी को छोड़ देना। और दुष्ट को भी हम अपने जगह में कार्य करने के लिए मौका दे देते हैं, जलन, कई बार जलन आ जाती, तो जलन क्या है, जेलसी, जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया। अरे वो ऐसा है, अरे वो ऐसा है, ये भी एक पाप है। आज हम दुष्ट को जाने अनजाने में अपने जीवन में कार्य करने के लिए मौका दे देते हैं। लालच, उसने अच्छी वस्तु रख लिया, लेकिन प्रभु ने तो कहा कि ऐसा वस्तु को नहीं रखना, प्रभु ने कहा था जो भी मैं तुझे कहा तो उसको काम करना, लेकिन उसने परमेश्वर की मर्जी को तोड़ दिया। आज हम भी ऐसा ही कर देते हैं, हालेलुया, हमें जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चले जाते हैं, हमें लालच नहीं करना चाहिए, हम लालच कर बैठते हैं, हम झूठ पल पल में झूठ बोलते हैं, और उसका नतीजा, उसका रिजल्ट अभी समझ में नहीं आता, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलता है कि ये हमारी गलती थी, ये प्रॉब्लम थी कि हमने ऐसे किया, हमने ये गलत किया। आज अपनी गलती किसी को समझ में नहीं आना कि हमने क्या गलती किया, लोगों को लगता मैंने क्या गलती किया। आज हालेलुया, हम परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहे, प्रभु परमेश्वर के पीछे चले नहीं, आज हम क्या रहे, हालेलुया, जब एक संसारिक तौर पर देखते हैं, आज हस्बैंड वाइफ के प्रति वफादार नहीं, वाइफ हस्बैंड के प्रति वफादार नहीं, बच्चे अपने माता पिता के प्रति वफादार नहीं, हालेलुया, एम्प्लॉय अपने बॉस के प्रति वफादार नहीं, तो बॉस भी अपने एम्प्लॉय के प्रति वफादार नहीं। हालेलुया। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है,
सब कुछ खत्म हो जाता है। आज हम परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है। यदि आज आप परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है तो आज आपका घर, आपका जीवन कैसे सुंदर, कैसे ब्लेसेड होगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के प्रति वफादार होते हैं तो प्रभु उन चीज़ों को खोलना शुरू कर देता है, ब्लेस करना शुरू कर देता है। बाइबल में ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे संत हैं जो परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया। हालेलुया। और उसका रिजल्ट देखते हैं, एक ग्रेट टेस्टमनी को, एक ग्रेट और एक ग्रेट टेस्टमनी को देखते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, हालेलुया। परमेश्वर को दुख ना दें किसी भी कीमत पर। हाले पाप ना करें, दुष्ट को अपने जीवन में जगह ना दें। जब आप बर्तन मांज रहे हैं तो बर्तन मांजते मांजते आप स्तुति कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, प्रेयर लगा सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, गीत लगा सकते हैं। दुष्ट को जबकि जीवन में इतना खलबली और इतना हलचल मचा रहा है, आप उसको तमाचा मारो प्रार्थना के जरिए, वर्शिप के जरिए। 24 घंटे हालेलुया आप परमेश्वर के प्रेजिंग करो। यदि आप बहुत परेशान हो चुके उस प्रॉब्लम से, आपके घर में लड़ाइयाँ और झगड़ा, इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रही है, हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करो, प्रार्थना करो, स्तुति। आप खाना बनाते समय भी प्रभु का धन्यवाद आप प्रार्थना कर सकते हैं, थैंक यू जीसस बोल सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। खाना बनाते तो खाना बनाते समय भी, हाँ प्रभु इस खाना को आशीष कर, ब्लेस कर। और जो बीमार है, जब आप खाना खाएंगे, जब आप प्रेयर करते जाएंगे, खाना बनाते जाएंगे, आप जब खाना खाएंगे तो ब्लेस हो जाएगा। यदि आप बर्तन धो रहे हैं तो बर्तन मारते मारते बोल सकते हैं कि प्रभु जिस तरीके से बर्तन को धो रही हैं, धो रहा हूँ परमेश्वर पिता, आज मुझे भी शुद्ध कर दे, मेरे मन को शुद्ध कर दे, अपने लहू से मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर दे। जब झाड़ू लगा रहे हैं आप उस समय प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु जिस तरीके से झाड़ू लगा रहे, झाड़ू लगा रहा हूँ प्रभु, आज परमेश्वर मुझे भी परमेश्वर पवित्र कर दे, मुझे साफ कर दे, कोई गंदगी ना रहने पाए, कोई डॉट ना रहने पाए। और प्रभु कब गीत गाते हैं, हाँ वर्शिप करते हुए भी, हालेलुया आप स्पीकर में लगा सकते हो, प्रभु की महिमा कर सकते हो, खुद गा सकते हो, वर्शिप कर सकते हो, और देखना फिर आप आपके काम कैसे नहीं होते। मतलब कहने का मतलब है कि जब आपके जीवन परमेश्वर है 24 घंटे, हालेलुया आप चाहे झाड़ू लगा रहे, चाहे काम कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, जब आप जाते हैं हालेलुया, तो सचमुच में दुष्ट को आपके जीवन कार्य करने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? आपका ध्यान किस में? परमेश्वर पर है। हालेलुया हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपके घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतना समस्या है, इतने कर्ज में, तो चुप करके बैठने से कुछ नहीं होगा। आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आप प्रार्थना करना शुरू करें, परमेश्वर से वाचा बांधकर प्रार्थना करना शुरू करें। अभी भी आपका केस क्यों नहीं हल हो रहा है, क्या रीज़न है? आज मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरा केस इतने साल हो गए अभी भी चल रहा है, प्रभु कोई रास्ता निकाल, प्रभु मैं तेरे प्रति वफादार रहूँगा, मैं प्रार्थना में रहूँगा, प्रभु तेरे पीछे चलते जाऊँगा, प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मुझ पर अनुग्रह कर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज मांगो परमेश्वर से, प्रभु आज ही इतने सालों के केस, प्रभु जी आज मैं वाचा बांधता हूँ। जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको खुद परमेश्वर वाचा बांधने के लिए परमेश्वर आपको वर्ड्स देगा, आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। फिर आप देखना आपका जीवन, फिर आप देखना आपका आपका जीवन वैसे ही नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी। आप ग्रेट ब्लेसिंग्स को देखोगे अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, एक ग्रेट टेस्टमनी को देखोगे अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अय्यूब जो था अपने जीवन में वफादार बने रहा, प्रभु की मर्जी करते रहा, सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी। आज थोड़ा सा कुछ हो जाता हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, तो हम तुरंत परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा भी कुछ भी हो जाए तुरंत, हालेलुया। लेकिन अय्यूब जो था उसने एक दोष भी नहीं लगाया। अदन की वाटिका में यही तो हुआ था, वो कहता उसने दिया, ये कहता उसने दिया, आज भी घर में भी हो रहा है, नहीं उसने किया, नहीं उसने किया, नहीं उसकी वजह से हुआ है, हालेलुया। उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आता और हवा को बाहर निकलना पड़ गया। आज हमारी आशीष चली जाती है, हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है, कब? जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं होते, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते नहीं हैं, जब हम परमेश्वर की मर्जी नहीं करते और अपनी मर्जी करते हैं। हालेलुया प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हाले शैतान को अपने जीवन में कार्य करने का मौका ना दो, एक सेकंड भी मौका ना दो। झूठ को अपने जीवन में जगह ना दो, लालच को अपने जीवन में जगह ना दो, चोरी, किसी के घर का लालच करना अपने जीवन में जगह ना दो। व्यभिचार ये एक बहुत खतरनाक और डेंजर पाप है, अपने जीवन में जगह ना दो। व्यभिचार जब आपके शरीर को अपवित्र और अशुद्ध करता है, और फिर जब शरीर अपनी आत्मा अशुद्ध हो जाती है तो फिर परमेश्वर से दोबारा कनेक्ट होने में फिर टाइम लगता है। फिर आप कहते हैं कि क्यों मेरे जीवन में आशीष नहीं आ रही है। हालेलुया प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। जो प्रभु ने आपको अपने लहू से धोया है, आपको शुद्ध किया है, आपको पवित्र किया है, आप जब फिर से आप मैल कर देते, फिर से आप अधर्म के काम करते, फिर से मन में व्यभिचार करते हो, तो
तो बार 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 करने के द्वारा फिर प्रभु से जुड़ना मुश्किल हो जाता है। हालेलुया, उस ग्रेस वो प्रभु देता है, अनुग्रह देता है, लेकिन फिर पाप करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, फिर वो ग्रेस खत्म। कितनी बार प्रभु माफ करता है लेकिन बार बार करते चले जाना, जानबूझ करके पाप करते चला जाना, फिर क्या होगा उसका रिजल्ट। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसे हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ओ धन्यवाद यीशु रबा शांत रड़बकतीरा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। ओ रबकतीर शांति रड़बकतीरा। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी तरस खाओ। ओ रबा शांत रड़बकतीरा। प्रभु जी धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया करो पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया रबा शांत रड़बकतीरा। हालेलुया रबकंतिर डबशंतिर डबके तिर डबकतिर रबकतिर। आज बोले परमेश्वर से, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। आपसे कोई व्यभिचार नहीं, आपसे कोई गंदी आदतें नहीं, आपसे परमेश्वर में कोई लालच नहीं, कोई जलन नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई इधर उधर की निंदा नहीं सुनूंगा, ना तो करूंगा, ना चोरी करूंगा। कई लोगों की चोरी करने की बहुत आदत है, चोरी कर लेते हैं, किसी के घर गए तो चोरी कर ले, है ही नहीं कोई, मतलब कोई काम का नहीं कोई वस्तु, फिर भी चोरी कर लेना, एक आदत है, ये दुष्ट काम करता है। आज चोरी की स्पिरिट आपके जीवन से जाए, आज चोरी की दुष्ट आत्मा आपके जीवन से जाए, आपके परिवार से जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट अप यीशु के सामर्थ्य नाम में, गेट अप यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ चोरी की स्पिरिट दुष्ट आत्मा जाए, अडल्टरी व्यभिचार गंदी आत्मा, नशे की आत्मा, चाहे आप सिगरेट पीते हो, चाहे छोटा सा नशा करते हो, चाहे आप मंजनी क्यों ना करते हो, वो भी एक पाप। और कहते हो कि पता नहीं मेरे घर में बीमारी क्यों नहीं जा रही है, मेरे घर से शराब क्यों नहीं जा रहा है, मेरे कमाई में आशीष क्यों नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि दुष्ट को उसके जरिए, उस नशे के जरिए एंट्री करने का मौका मिल गया है, क्योंकि आपने उसका प्रोडक्ट तो अपने पास ही रखा हुआ है, फिर वो कैसे जाएगा। आज चाहे छोटा नशा हो चाहे बड़ा नशा हो, जैसे जहर होता है, जहर जहर ही होता है, चाहे थोड़ा जहर पियो चाहे पियो, काम वैसे ही करेगा। उसी प्रकार से नशा है, चाहे थोड़ा नशा करो, छोटा नशा करो या ज्यादा नशा करो, दोनों का दंड एक ही पाप है। चाहे आप मन में भी विचार करो, हालेलुया, चाहे आप किसी के साथ करो, दोनों का दंड एक ही है, परमेश्वर का वचन कहता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज मन फिराओ, प्रभु के पास आ जाओ। हालेलुया, बार बार पाप, बार बार गलती ना करो, सारी गंदगी आदतों से आजाद हो जाओ। ओ धन्यवाद यीशु, हर एक चोरी के स्पिरिट गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम, हर एक चोरी के स्पिरिट गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक दुष्टात्मा, हर एक लालच, हर एक निंदाई की आत्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, अनुग्रह से भर दिया, धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। इसी वक्त हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए, हर एक गंदी आत्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द मैटी नेम ऑफ जीसस का, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड इन द मैटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु शूले हर एक लोगों को, हर एक बुरे स्वभाव, हर एक गंदे स्वभाव से आजाद हो जाओ, शैतान का अपने जीवन में कार्य करने का मौका ना दो। ओ जीसस, जब आप अपने ऑफिस जाते हैं, हालेलुया, तो प्रार्थना करके घर से बाहर निकले, जब आप घर, जब ऑफिस से अंदर, जब अपने घर आते हैं, तब परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु अपने सुरक्षित रखा है। हाले घर से अंदर जाते, बाहर साथ जाते समय, हर एक टाइम परमेश्वर की महिमा जरूर करें। जब आप कंप्यूटर में, ऑफिस में जब काम करते हैं, तो प्रभु की स्तुति करें, प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। हाले जब देखो अब हर एक वस्तु के लिए, हर एक चीज़ों के लिए, हर एक समय में जब प्रार्थना का पहला स्थान दोगे, परमेश्वर का पहला स्थान दोगे, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है। आज अपना जीवन को प्रभु के हाथ में कंट्रोल करने के लिए दे दो, खुद कंट्रोल ना करो कि हाँ ऐसे करूंगा तो ऐसा होगा वैसे करूंगा, आज कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में दे दो। और जब कंट्रोल को जब आप प्रभु के हाथ में दोगे, हाँ प्रभु जैसे आप कहते हो मैं वैसे ही करूंगा वैसे ही करूंगी, तो सचमुच में परमेश्वर आपको ब्लेस करना शुरू करता है, नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना शुरू करता है। इसलिए आइए आज अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए, बोलो परमेश्वर हालेलुया, आज मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, अनुग्रह से भर दे, शांति से भर दे, कृपा से भर दे, सच्चाई से भर दे। रबकतीरा, मैं प्रार्थना करती हूँ के सामर्थ्य नाम में, अरे दुष्ट शैतान शक्ति से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त जो बीमार है अपने हाथों को मार रखे,
जय यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक दुष्ट, हर एक हड्डी की रोग समस्या, गले का दर्द, आंखों की प्रॉब्लम, आंखों की रोशनी वापस आए और चंगे और आजाद हो जाए। मानसिक रोग समस्या जाए, जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, प्रभु शूले प्रभु जी तश इन द मटी नेम ऑफ जीसस का। हर प्रकार के रोग, पेट का दर्द, हड्डी की समस्या है, जाए जाय 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 यीशु के सामर्थ्य नाम। हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया, आपकी हड्डी के रोग, अरे जो आपके मन के प्रश्न है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। बे ओपन हालेलुया और अपने पोजीशन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जिनको कोल्ड एंड कफ की स्पिरिट जो कार्य करती, जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। साइनस की स्पिरिट जाए, जिनके नोज में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। साइनस की स्पिरिट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। साइनस की स्पिरिट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। माइग्रेन की स्पिरिट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके नाक में जो प्रॉब्लम है, जिनको सांस में तकलीफ है, जिनको स्टमक की प्रॉब्लम है, जिनको आंखों में प्रॉब्लम है, जिनके नोज में प्रॉब्लम है, जिनकी हड्डी पड़ी हुई है, गेट आउट गेट आउट गेट आउट, फायर यीशु के सामर्थ्य, फायर इन द मटी नेम ऑफ जीसस का, फायर इन द मटी नेम ऑफ जीसस का, फायर इन द मटी नेम ऑफ जीसस का, फायर टच टच इन द मटी नेम ऑफ जीसस का। चंगे और आजाद हो जाओ। इसी वक्त हर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। इसी वक्त डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द मटी नेम ऑफ जीसस का। जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, और जो सोच विचार ठीक से समझ नहीं पाते हैं, प्रभु सोचने समझने की तरह बुद्धि और समझ दे परमेश्वर पिता। जो बच्चे बीमार है चंगे हो जाए। आगे बच्चों को प्रभु अनुग्रह दे, ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य नाम। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो उठ बैठ नहीं पाते बैठने लगे, जो चल नहीं पाते चलने लगे, अब बिना सहारा के चले यीशु के सामर्थ्य। चेक करके देखो आपके बॉडी को, जो कर नहीं पाते चेक करके देखो, आप चंगे हो चुके हो। फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम है। अंधकार की शक्ति जाए, जाए यीशु के सामर्थ्य। अपनी गवाही को देना मत भूलना। मैं प्रार्थना करती हूँ, अरे पेट की रोग समस्या जाए, किडनी की समस्या जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कैंसर की बीमारी जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, इलाज बीमारी, अरे दुष्ट शैतान, हर एक आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम डिस्ट्रॉय करते और रिबुक करती, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम। छुटकारे के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, आगे पीछे चलने के लिए मदद सहायता करे। बच्चों को प्रार्थना करती हूँ, ज्यादा चंगे हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते प्रभु। आपके पीछे चलने के लिए मदद सहायता करना। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ हो प्रभु जी। अनुग्रह से भर दे, अनुग्रह से भर दे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती है। आगे पीछे पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे, अगुवाई करने की अगुवाई करना परमेश्वर पिता। आज शैतान को प्रचुर में कार्य करने का मौका ना दो, चाहे लालच के, चाहे झूठ के रूप में, चाहे गंदी, चाहे अडल्टरी के रूप में, चाहे गंदे अंधकार के गाने सुनने के रूप में। शैतान को प्रचुर में कार्य करने का मौका ना दो। परमेश्वर के लिए पवित्र प्रजा होकर बदल जाए, परमेश्वर के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए, स्वर पवित्र होकर बदल जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हर एक लोगों को तेरे हाथ में देती हूँ, जब ये जहाँ भी जाते हैं स्वर्गदूतों को ठहरा देती है, यीशु के नाम में कवर करती हूँ, बाड़ा बांधती हूँ। आज अपना बिजनेस को परमेश्वर पिता जन का काम को ब्लस करती हूँ। आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपके बिजनेस को ब्लस करती हूँ, आपके जॉब को ब्लस करती हूँ, अनुग्रह से भर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। इनके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लस करते हैं, इनके वीजा को ब्लस करती हूँ, इनके बंद मार्गों और रास्तों को खोलती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। अगर पीछे चलने के लिए मदद सहायता करना। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें, अपने गवाही को देना ना भूलें, अपने भेंट, अपने थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन पेमेंट और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। तो प्रार्थना जरूर करें चर्च भवन की जमीन के लिए। कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं बताइए मुझे। प्रभु को बहुत तायद की आशीष दे, जो मेरे लगातार प्रार्थना करते इस मिनिस्ट्री के लिए जो परमेश्वर का है। तो लगातार प्रार्थना करें कि प्रभु इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करना चाहिए, अनुग्रह देना चाहिए, चलाना चाहिए, ब्लेस करना चाहिए। हालेलुया, जब आप प्रेयर करेंगे मिनिस्ट्री के लिए जो प्रभु का है, द गॉड ऑफ हेवन चर्च, हालेलुया, तो सचमुच आपके भी रास्ते खुलेंगे, आमीन। तो लगातार प्रार्थना में रहें, प्रभु में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सदानंदित रहें, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाते जाएं, हालेलुया। तो जो भाई बहन प्रेयर करवाना चाहते हैं दीप्ति प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रेयर लाइन नंबर आप अपने स्क्रीन में देखें। तो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे होगी, तो सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे होगी, तो दोनों मीटिंग को जरूर अटेंड करें। तो रविवार की जो प्रार्थना सभा होगी वो सुबह 9 बजे स्टार्ट होगी। तो तीनों मीटिंग में जब आप भाग लेंगे, जब पार्टिसिपेट करेंगे, आप देखेंगे आपके बंद मार्ग को खुलता हुआ, आप देखेंगे आपके दरवाजे को खुलते हुए, आमीन। हर आशीष के दरवाजे खुलेंगे और एक श्राप से मुक्त होंगे। इसलिए लापरवाही ना करें, टाइम को व्यर्थ ना गवाएं, इस परमेश्वर के भवन में जरूर आएं ताकि आप अपने आशीषों को ले सकें, छुटकारा चंगाई को प्राप्त कर सकें। प्रभु की मर्जी करें, प्रभु में दृढ़ बाढ़े बढ़ते जाएं, प्रभु में सदानंदित रहें। प्रभु आप सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।